ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुल्लू जिला के आनी खंड के अंतर्गत दलाज में ऋषि पंचमी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के मशहूर लोक गायक बिक्की चौहान ने खूब धमाल मचाया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की। कुल्लू जिला के आनी खंड के अंतर्गत दलाश में ऋषि पंचमी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के मशहूर लोक गायक बिक्की चौहान ने खूब धमाल मचाया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि गायन के लंबे करियर में अब तक उन्होंने दो ही ऐसे गीत गाए हैं जिनमें नशे या नशीली चीज को जोड़ा गया हो, लेकिन अब वे कभी ऐसे गीत मंच पर नहीं गाएंगे। उन्होंने दूसरे कलाकारों से भी निवेदन किया है कि इस तरह के गीत ना गाएं जिससे संदेश नशा को जोड़ने वाला हो। बिक्की चौहान ने कहा कि कलाकार समाज का आईना है, खासकर जब कलाकार मंच पर हो और वे ऐसे गीत को प्रस्तुत करें जिससे युवाओं में नशे के प्रति उत्सुकता बढ़े, ऐसी कलाकारी से बचना होगा। उन्होंने कहा कि वे ऐसे कलाकारों को कलाकार नहीं कलंकार मानते हैं। रात्रि कार्यक्रम के दौरान बिक्की चौहान ने अपने चर्चित गीत तू आजा ले वश मेरी कारो दी नीरू चली घूम दी चुरपुरा जाना चुरपुरा झुमके वाली भाई जी बात है ऐसी तथा सही पकड़े जी सहित अन्य कई चर्चित गानों को गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। लोक कलाकार बिक्की चौहान ने बताया कि उन्होंने कलाकारी के जीवन में अब तक दो ही गीत ऐसे गाए हैं जिसमें नशे की बात हो, लेकिन 2017 में गुड़िया कांड के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे कभी भी नशे से जुड़े गीत नहीं गाएंगे। उन्होंने दूसरे कलाकारों से भी गुजारिश की है कि वे ऐसे गीत ना गाएं जिससे युवाओं को नशे के प्रति प्रोत्साहन मिले। कलाकार समाज का आईना है, कलाकार ऐसी चीज परोसे जिससे लोगों में सकारात्मक संदेश जाए। सुना उसको सुनना चाहते हैं सिर्फ स्टेज तक, तो मैं स्टेज पे इन दो गानों को गाता हूँ। वो भी बहुत कम गाता हूँ, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं गाता हूँ, एक मिनट का गाना गाया। लेकिन दूसरे सिंगर्स के लिए मैं जरूरी कहूंगा, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान जो पीढ़ी है आज बहुत ज्यादा खराब हो रही है, नशे की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो कलाकार जो है समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। आप वो चीज लोगों को परोसिए जो लोग सुनना चाहते हैं। अगर आप नशे को परोसेंगे तो जरूर डेफिनेटली जो आने वाली पीढ़ी है जो आपको फॉलो करते हैं तो भंग पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, दारू, मतलब ये चीजों के पीछे अगर आपको स्टार्डम चाहिए या किसी भी सिंगर को अगर नशे के पीछे या शराब के पीछे स्टार्डम चाहिए तो मैं शायद उसको कलाकार नहीं कलंकार ज्यादा मानूंगा। बहुत सारे लोग हैं लेकिन अगर वो अपने आप को उस लेवल पे उस मुकाम पे स्टेबल रखेंगे तब शायद वो एक पहचान बन पाएगी। अगर आज एक गाना हिट होना या एक कैसेट हिट होना उसको अगर आप स्टारडम कहोगे तो मैं शायद इतना ज़्यादा एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूस बैक टू बैक हिट और अच्छे गाने देने पड़ेंगे और मार्केट में अच्छे गाने सुनने वाले आज के समय में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आ चुके हैं। जब मैंने गाना शुरू किया था उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी और उस वक्त हल्के से रिदम पे म्यूजिक बनते थे, आज तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।